नमस्कार, मैं हूं मुनीश राजदान, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। आज एक और नया प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, रिक्लाइनिंग व्हीलचेयर है मेडिकिप कंपनी की, मेडीमूव नाम से जो इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। अभी तक हमने कमोड चेयर देखा है, प्लेन चेयर देखा है, रिक्लाइनिंग व्हील चेयर भी हमने एक वीडियो में देखा था, वो कर्मा कंपनी का था, लेकिन ये मेडिकिप का है। ये इंपोर्टेड व्हील चेयर है, बेंगलोर में इंपोर्ट होता है और इसकी एमआरपी जो है 21,000 रुपये इसकी एमआरपी है इंक्लूडिंग टैक्सेस। मेडी हेल्थ केयर जो है इनको इंपोर्ट कर रहे हैं और मेडिकिप जो है मेडिकिप हेल्थ केयर सॉल्यूशंस ये मार्केटिंग कर रहे हैं। इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है। ये इसमें हेडरेस निकला है सबसे पहले, और क्या है ये हैंड ब्रेक्स हैं इसके हैंडल्स, ये भी इसका हेडरेस्ट का पार्ट है, ये भी असेंबल करेंगे हम। ये इसके साथ पॉट है, इसमें आपको पॉट भी मिलेगा, कमोड चेयर की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये इसकी सीट है, यू कट सीट है इसके अंदर। इसको अभी हम लोग असेंबल करेंगे। ये इसके फुटरेस्ट हैं, डिटैचेबल फुटरेस्ट हैं। खोलने के लिए इसको फुटरेस्ट को थोड़ा सा बाहर करेंगे और इसको ऐसे करके खोलेंगे। और इनको जो है ये लॉक है, लॉक निकाल के दोनों साइड में लॉक है, इनको निकालना है। ये निकाल के जो है लॉक्स इसको इसके अंदर डालना है, दोनों हैंडल्स को जिस साइड में जो हैंडल है उसके अंदर डालना है। और ये डाल के इसको लॉक लगाना है। ये होल इसमें देखना पड़ेगा आपको, ये होल आ गया, इसमें लगा के इसको ये लॉक हो जाएगा। लॉक करने के बाद में इसको हम लोग, ये ब्रेक है, इसको नीचे वाले लीवर को प्रेस करके ऊपर उठाएंगे तो ये इसका ये ऐसे लॉक हो जाएगा। ये वाला हैंडल लॉक नहीं हुआ अभी, ये लॉक हो गया। ये जो ये बाहर वाला लीवर है इसमें, ये इसका ब्रेक है, हैंड ब्रेक भी है इसके अंदर और इसको रिक्लाइन करने के लिए ये भी है। ये जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये वाली चीज़ जो है, इसमें 3-4 सेटिंग्स हैं, यहाँ पे ये जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पे आपको ये लॉक हो जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। दोनों को एक साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो एक आगे हो जाएगा एक पीछे हो जाएगा। ये अभी
रेस्ट पोजीशन पे है। यहाँ पे होल आप देख सकते हैं, जो होल है कौन से होल में जाना है, दोनों तरफ बराबर होल रख के उसको आप लॉक कर सकते हैं। ये लॉक हो गया। इसमें सीट बेल्ट भी आपको मिलेगी, कर्मा में सीट बेल्ट नहीं थी। ये भी सेम है प्रोसीजर जैसे कर्मा में था, इस लीवर को आगे करके इसको दबाएंगे, ये नीचे चला जाता है। फुटरेस्ट इसके साथ लगाएंगे, ये डिटैचेबल फुटरेस्ट है, ये दो फुटरेस्ट निकलेंगे इसमें डिटैचेबल, खोलेंगे इसके साथ में। ये नॉब है पीछे से, इसको ओपन करेंगे, ओपन करके इसको इसमें डाल, ये इस साइड का है, लेफ्ट राइट का देखना है। इसमें भी दो सेटिंग्स हैं, दो होल हैं, तो किसी भी एक होल में आप इसके साथ मैच कर सकते हैं इसको। हम लोग पहले वाले में कर रहे हैं। ऊपर से ये नॉब टाइट कर दीजिए, ये लेफ्ट राइट का देख के लगाना है। और इसमें अब इसका सीट बिठाएंगे इसके, इसके साथ में ये यू कट सीट है कमोड के लिए, उसको बिठाने के लिए इसमें ये पिन है। ये चेयर में यहाँ पे होल है पाइप में, ये होल में दोनों पिन जो है बिठाने हैं हमें, ये वाले दोनों पिन। इसके बीच में ये इसका कमोड लगेगा, कमोड कैसे लगाना है, ये इसका यू पीस है, ये ऐसे रहेगा इसके अंदर। और कमोड जो है इसका, ये ऐसे स्लाइड हो जाएगा, ऐसे करके इसमें ये बैठ जाएगा। और जब आप कमोड यूज़ कर लेंगे, या इसमें इसका फ़ायदा ये रहता है कि पेशेंट अगर इसमें बैठा हुआ है, चेयर पे बैठा है, उसको टॉयलेट के लिए यूज़ करना है, तो आप यहाँ से ये यू पीस जो है थोड़ा सा पेशेंट को थोड़ा सा हिला के ये पीस निकाल सकते हैं, टॉयलेट जो है कमोड आप यूज़ कर सकते हैं। वापस पीस लगा दीजिए, अगर आप कमोड नहीं यूज़ करना तो एज ए नॉर्मल चेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो पॉट है इसका, उसका ढक्कन भी है, पॉट के साथ में ढक्कन यूज़ कर सकते हैं, जब क्लीन करना हो इसको ढक्कन से ढक के आप ले जा सकते हैं। और इसमें इसका जो बैक रेस्ट है, हेड रेस्ट है, उसका ये पार्ट है, ये इसमें बटन्स हैं दोनों साइड, तो इसको पीछे पाइप में लगा के यहाँ पे ये पाइप में लगाएंगे दोनों तरफ, इस पाइप में इधर से भी, और ये पिन को दबा के थोड़ा सा इसको अंदर दबाएंगे, ये अंदर चला जाएगा दोनों साइड से, ये लॉक हो गया। और इसका जो सीट बेल्ट था ये आगे कर देंगे, और ये इसके साथ में हेडरेस्ट है, इसको आप इसमें करके यहाँ पहना सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ भी सर का लेवल हो उसके पीछे आपको कुशन मिल जाता है, तो ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए इसको पीछे, इसमें आपको पॉकेट भी मिलती है, ये पॉकेट है,
इसमें कुछ सामान आप रख सकते हैं, फाइल वगैरह या कुछ पेपर, कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और ये इसमें वो ध्यान रखना है आपको, जैसे हम हर वीडियो में अपना बताते हैं कि व्हीलचेयर पे बैठने के लिए पहले ये फुटरेस्ट जो है आपको बंद रखना है, पेशेंट को बिठाना है और बिठाने के बाद में फुटरेस्ट खोलना है और पेशेंट का पांव इसके ऊपर रखना। उतरने के टाइम भी पहले आपको ये पांव हटाना है, इसको फोल्ड करना है और पेशेंट को फिर उठाना है। और इसमें ये काफ रेस्ट के लिए भी है, जब इसमें पांव रखते हैं तो ये पांव पीछे ना चला जाए, इसमें यहाँ पे रेस्ट मिलता है काफ को भी, दोनों साइड ये आपको मिलता है। और इसको सेम लेवल पे रख सकते हैं। ऊपर करने के लिए जो है इसको ऐसे ही ऊपर करेंगे तो ये ऊपर हो जाता है, जितना भी ऊपर आपको करना हो। और इसको भी आप लिटा सकते हैं, ऐसा करके पेशेंट इसमें पूरा लेट भी सकता है, पेशेंट लेट भी सकता है इसमें। पेशेंट बैठे बैठे थक गया तो आप रिक्लाइन कर देंगे तो पेशेंट ऐसे पेशेंट को लेटा भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या किसी थोड़े बैक को थोड़े ऊपर लेवल पे रखना है तो थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। इतना भी रख सकते हैं, जितना भी आपको रिक्लाइन चाहिए उतना कर सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें जो इसके लिवर्स हैं, ये अंदर वाले लिवर्स जो हैं ये रिक्लाइन करने के लिए हैं, और ये जो है ये हैंड ब्रेक है। ये इसमें पार्किंग ब्रेक है, अगर व्हील चेयर को कहीं पे आपको छोड़ना है इसको लॉक कर दीजिए। पेशेंट को उतारते समय या बिठाते समय भी ये लगा के फिर पेशेंट को बिठाना है, ऐसा नहीं कि आप ये लगाया नहीं पेशेंट को बिठाने लगे और चेयर पीछे चली गई, तो आप इसको लॉक करके पेशेंट को बिठाइए, चलने के टाइम में इसको अनलॉक कर दीजिए। दोनों साइड में है ये दोनों टायर्स में, और एक मिनट इसको सीधा करेंगे। इसको करने के लिए इसको जब आगे की तरफ पुल करेंगे तो ये नीचे चला जाता है, ये नीचे चला गया अपने आप। ये पीछे भी ये व्हील्स दिए गए हैं छोटे छोटे ब्लैक कलर के, ये इसलिए कई बार पेशेंट ज़्यादा पीछे होके बैठने की कोशिश करे तो चेयर जो है पीछे ना पलट जाए, जब आपने रिक्लाइन किया हुआ है उसको बचाने के लिए, जब आप इसको ऐसा होता है तो ये इसको पलटने नहीं देती है चेयर। ये देखिए ये नीचे लग रहा है, ये देखिए चेयर पीछे नहीं पलटेगी, ये सेफ्टी फीचर है इसके अंदर। और इसमें जो है इसके आर्म रेस्ट जो हैं ये भी डिटैचेबल हैं, इसको डिटैच करने के लिए ये पिन है यहाँ पे, ये पिन दबाएंगे ये बाहर निकल आता है। तो पेशेंट को अगर मान लीजिए आप उठा के नहीं बिठा सकते तो पेशेंट के बेड के साथ में आप चेयर को लगा दीजिए और पेशेंट जो है ऐसे खिसक के जो है चेयर पे ऐसे करके बैठ सकता है, और वैसे ही बेड के साथ ही बेड पे जाना है तो ऐसे करके जा सकता है, तो पेशेंट का गिरने का चांस भी नहीं है। ये अच्छा फीचर है इसमें, डिटैचेबल आर्म रेस्ट है। इसको लगाने के लिए वापस पहले पीछे वाला लगाएंगे फिर इसको आगे वाले इसमें रख के प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा।
थैंक यू।